सच्चा सपूत कौन। एक गांव में तालाब था, उस तालाब पर तीन स्त्रियां पानी भरने गई। वहां पर पहले से ही एक बूढ़ा आदमी बैठकर कुछ खा रहा था। तीनों औरतें जमीन पर अपने अपने घड़े रख कर बैठ गईं और उस बूढ़े को सुनाकर आपस में बातें करने लगीं। एक औरत ने दूसरी औरत से कहा, पंडित जी बूढ़ा राम का शिष्य और मेरा बड़ा लड़का बाहर से पढ़कर शास्त्रों का ज्ञान सीख के आया है। उसने पूरे मोहल्ले में धूम मचाकर रख दी है। पूरे गांव में बस हमारे लड़के की ही चर्चा हो रही है। अपने बेटे की बड़ाई और करते हुए उसने कहा कि सुनो सखी, वह आकाश के तारों को गिनकर उसका नाम बता देता है। स्वर्ग लोक की सारी बातें उसे पूरी तरह मालूम है। यमराज के दरबार में कैसे फैसला होता है उसको तो यह भी मालूम है। पता नहीं कैसे भगवान की सब बातें जान लेता है। जब वह शादी ब्याह करता है तो सारे पंडित उसके आगे चुप हो जाते हैं। मैं ऐसे पंडित को जन्म देकर अपने को बहुत धन्य मानती हूँ। बाहर जब भी कोई मुझे देखता है तो वह कहता है, देखो शास्त्री जी की माँ जा रही है। उसकी बात सुनकर दूसरी औरत बोली, अरे सखी, मेरे बेटे का गुण सुनोगी तो तुम भी सच में डूब जाओगी। मेरे बेटे जैसा पहलवान 10-20 गांव में नहीं है। वह रोज 500 उठक बैठक सुबह और शाम दोनों समय लगाता है। अखाड़े में जब वह ताल ठोक के उठता है तो बड़े पहलवान उसके आगे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। बहन जी, सच मानना, उस जितना पहलवानी है नाम आज तक किसी ने नहीं कमाया। मैं उसे हलवा मालपुआ दिन भर खिलाती रहती हूँ। खा पी कर जब वह हाथी की तरह झूमता हुआ सैर करने निकलता है तो मैं फूली नहीं समाती। अभी अभी मैं जिस रास्ते से जा रही थी, रास्ते में एक आदमी ने मेरी तरफ देखते हुए अपने बेटे से कहा, देखो पहलवान की माँ जा रही है। मेरे बेटे जैसा लड़का शायद ही किसी का होगा। सच मानो सखी, मैं अपने बेटे की बढ़ाई सुनकर खुशियों से झूम उठती हूँ। दोनों स्त्रियों की बातों को सुनकर तीसरी औरत चुप रही। इस पर एक स्त्री बोली, तेरे हालत देखकर ऐसा लगता है मानो तेरा बेटा लायक नहीं निकला। इस बात पर तीसरी औरत बोली, देखो मेरा बेटा जैसा भी है मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसे नाम कमाने की लालसा नहीं है, वह बिल्कुल सीधे साधे स्वभाव का है। दिन भर खेतों में काम करता है, शाम को घर आकर घर के लिए पानी भर देता है। घर के काम से उसे इतना समय ही नहीं मिलता कि वह नाम कमाई करे। आज मेरे बहुत कहने पर मेला देखने गया है, तभी मुझे पानी भरने आना पड़ा। मुझे आज इधर आते देख कर देखने वालों इसी बात पर आश्चर्य थे कि मुझे पानी भरने के लिए कैसे निकलना पड़ा। तीनों स्त्रियों की बातें समाप्त हुईं तो वह जल्दी जल्दी अपने पानी के घड़े को भरकर वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गई। बूढ़ा आदमी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद पीछे से तीन युवक आ रहे थे। वह तीनों उन स्त्रियों के लड़के थे, मेले से घर लौट रहे थे। एक ने अपनी पहली स्त्री के पास जाकर कहा, माँ मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस रास्ते से जा रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में तुम मिल गई। यह कहकर वह जल्दी जल्दी अपने घर को जाने लगा। दूसरे लड़के ने दूसरी स्त्री से कहा, माँ मैं मेले के दंगल में बाजी मारकर आ रहा हूँ,
जल्दी पानी लेकर घर आना, मुझे बहुत भूख लगी है। यह कहकर दूसरा लड़का भी घर की ओर चल गया। इसके बाद तीसरा लड़का आया, तीसरी औरत के पास आया और उसने हाथ से पानी का घड़ा लेकर बोला, माँ तू पानी भरने क्यों आई, मैं तो आ ही रहा था। वह घड़ा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब अपने अपने बेटों की ओर इशारा करते हुए तीनों स्त्रियां चलने वाले बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा तुम हमारे बेटों के बारे में क्या कहते हो। बूढ़ा आदमी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ बोला, तुम लोग अपने अपने बेटों के बारे में चाहे जो कुछ भी कहो, मेरी राय में तीनों में से केवल एक लड़के के पास ऐसी नैतिक शिक्षा का अर्थ मालूम है जिसे बेटा कहा जा सकता है। पहले दो तो अपनी अपनी माँ के पेट से निकलकर उनसे बहुत दूर हो गए हैं, तीसरा अपनी माँ के शरीर से अलग होते हुए भी मन के मन से मन मिले हुए हैं, जिससे आत्मीयता है उसी को सपूत मानता हूँ। बूढ़े आदमी की बात सुनकर दोनों स्त्रियों के मुंह शर्म से छोटे होकर नीचे झुक गए, जैसे पेड़ में चमगादड़ लटकता है। तीसरी स्त्री का मुंह गर्व से ऊंचा हो गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग लड़के के सामने काम करे और लड़का सैर सपाटे और अय्याशी करे तो इससे ज़्यादा शर्म की बात उस लड़के के लिए कुछ नहीं हो सकती। घर के काम में हाथ बटाना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, जितना हो सके घर के कामों का बड़ों के करने की बजाय खुद ही करना चाहिए। एक अच्छे सपूत की पहचान होती है। ऐसे सच्चे सपूत ही भगवान के अति प्रिय होते हैं। हमें अपने माता पिता की सेवा सच्चे मन से करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता की सेवा के बिना पूरा कमाया हुआ धर्म एक तिनके के समान है। अगर हमारे माता पिता खुश हैं, उनको किसी प्रकार का दुख हमारी वजह से नहीं पहुंचता हो, तो एक बेटे के लिए इससे बड़ी सपूत कहलाने की बात कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।